हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जयश्री टेलीकॉम। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक कोर्डलेस स्क्रू ड्राइवर सेट है जो इन इको कंपनी का बना हुआ है, उसका हम आप आज के लिए टेक्निकल डिटेल लेकर आए हैं। ये वीडियो में हम आज ये हैंड ड्रिल को, जिसको हम हैंड ड्रिल भी बोल सकते हैं, ये कोर्डलेस स्क्रू ड्राइवर है और इसको आप हैंड ड्रिल भी बोल सकते हैं, इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें क्या क्या फैसिलिटी आती है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और इसका यूसेज कैसे करना है, तो ये वीडियो आप एंड तक पूरा देखेगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं ये इनिको कंपनी का कोर्डलेस स्क्रू ड्राइवर का डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है इनिको CSDLI0402। ये 4 वोल्ट ऑपरेटेड ड्रिल मशीन है और इसमें लिथियम आयन कोर्डलेस स्क्रू ड्राइवर इसमें लिखा है। इसमें लिथियम आयन बैटरी आती है जो कि लाइट वेट होती है और उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पे बैक साइड में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है और उसका टेक्निकल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है और यहाँ पे उसका मेक ईयर है 2021 और ये यहाँ पे मॉडल नंबर है। तो दोस्तों, ये एक्चुअली जो इनिको कंपनी है, ये बेसिकली ओरिजिन फ्रॉम चाइना है, यानी कि ये जो हैंड ड्रिल है, हमारा हैंड स्क्रू ड्राइवर है, ये दिस इज फ्रॉम चाइना, ठीक है। ये चाइना मेक है, लेकिन चाइना मेक होते हुए भी ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैंने ये एक्चुअली पर्सनली ये हैंड ड्रिल मैंने यूज़ किया है काफ़ी, और इसके बाद में ये रिव्यू बना रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए ये नया ड्रिल लेकर आया हूँ और आपको इसका अनबॉक्सिंग में दिखाता हूँ। तो चलो आइए दोस्तों, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है इसके अंदर। यहाँ से ये ओपन होता है, ये जो प्लास्टिक का जो सीलिंग बैग है, यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने ओपन कर लिया, उसका कवर हम साइड में रख देते हैं। तो इसके साथ आपको आता है एक मेन कोर्डलेस स्क्रू ड्राइवर मशीन और उसका चार्जिंग केबल, और ये इसके जो स्क्रू के लिए जो आते हैं, इसके ये स्क्रू ड्राइवर सेट साथ में आता है जो कि ये ड्रिल मशीन में लगेंगे, ठीक है। उसका भी टेक्निकल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। 4 टाइप्स ऑफ माइनस है एंड 4 टाइप्स ऑफ प्लस है और देर इज ए 2 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और यहाँ पे एक एक्सटेंशन रोड दिया हुआ है, ठीक है, ड्रिल मशीन के लिए, जो इसकी जो चक होती है उसमें यहाँ पे लगता है। और इसके साथ एक इसका स्टैंडर्ड एक यूजर मैनुअल भी आता है, देखिए दोस्तों, इस टाइप का बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस ड्रिल मशीन। देखिए यहाँ पे सब इसका स्पेसिफिक, इसका क्या है, इसका जनरल सेफ्टी रूल्स है और इससे क्या क्या आप क्या काम कर सकते हैं, इसका कैसे क्या बटन का क्या यूज है, सब इसमें दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसको आपको एडिट करने का जरूरत अभी नहीं है, हम आपको इसमें प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि हाउ टू यूज। तो पहले हम आपको इसका थोड़ा टेक्निकल जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, ये बेसिकली स्क्रू ड्राइवर सेट है जो कि आप एज ए स्क्रू ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं और एज आप मिनी ड्रिल मशीन तक भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर आपके ऑफिस या आपका कोई वर्क प्लेस पे वुडन है, यानी कि प्लाई है, तो ठीक है, प्लाई है तो या तो सॉफ्ट दीवार है, ठीक है, या तो प्लास्टिक है, ठीक है, या तो कोई मेटल है, तो मेटल के उसके ऊपर भी आप इसमें इसमें चक में उसका जो होता है वो लगा के उसका टूल आप इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं। यानी कि ये कोर्डलेस स्क्रू ड्राइवर भी है और एज वेल एज मिनी ड्रिल मशीन भी है। तो इसका प्लस पॉइंट एक ये है कि इसमें आपको चार्जिंग करके इसको यूज करना है, इसमें कोई वायर नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, दिस इज टोटली वायरलेस। तो इसका प्लस पॉइंट ये रहता है, कई बार जगह पे हमें इसका काम लेना होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई नजदीक में नहीं होता है, तो वो कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए, ये एक मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट दिया है, मोबाइल का जो सॉकेट है सेम सॉकेट इसमें आता है। तो ये बेसिकली आपका जो मोबाइल का चार्जर होता है, उसी के केबल से ये, उसी चार्जर से ये ड्रिल आपका चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आपको इसके लिए अलग से चार्जर परचेस करने की जरूरत नहीं है। कंपनी इसमें चार्जिंग केबल देती है छोटा वाला, जो कि हमारा नॉर्मल V8 जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं उसकी जो पिन आती है वही केबल आता है। तो ये कोई स्पेशल पिन नहीं है, तो आप ये इसको आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, चार्जिंग केबल और इसका चार्जर भी, ठीक है। तो आइए इसको हम आपको बताइए, ये इसमें ली आयन बैटरी आती है, लिथियम आयन बैटरी, जो कि यहाँ पे इनबिल्ट माउंट होती है, ये यहाँ पे इनबिल्ट माउंट होती है।
और यहाँ पे देखिए सब स्क्रू दिए हुए। अगर आपको ये खोल कर रिप्लेस करनी है बैटरी तो इन फ्यूचर आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसकी बैटरी लाइफ है ये माने कि एक बार फुल चार्ज करेंगे तो ये ड्रिल आपको 10 से 12 घंटे तक कंटिन्यूस वर्क देगी, ठीक है। उसके बाद इसकी लाइफ के बारे में बात करें तो जहाँ तक ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि ये हम नया लिया होता है ना मशीन, तो इसकी बैटरी 1.5 या 2 साल तक आराम से चलती है। इसका अगर आप स्टैंडर्ड यूज है तो 2 साल तक इसकी बैटरी को रिप्लेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी इसकी अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पे इसमें प्लस और सॉरी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों फंक्शन दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ये दैट इज रिवर्स फंक्शन। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाता हूँ, ये जो है रिवर्स फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे है फॉरवर्ड फंक्शन, ठीक है। नॉर्मली हमारे जो ड्रिल या स्क्रू ड्राइवर होता है वो हम स्क्रू जब फिट करना होता है तो फॉरवर्ड फंक्शन में ही काम करता है। तो ये जो दोनों तरफ स्विच दी गई है रिवर्स फॉरवर्ड की, वो एज वेल एज ऑन ऑफ स्विच का भी काम करती है। यानी कि जब तक आप इसका मोड सिलेक्ट नहीं करेंगे फॉरवर्ड या तो रिवर्स, तब तक ये स्विच काम नहीं करेगी। देखिए ये अभी लॉक की गई है क्योंकि अभी तक हमने कोई मोड सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अगर हम इसको फॉरवर्ड मोड में यूज करना है तो यहां से हम इसको प्रेस करेंगे, देखा ये प्रेस करेंगे कोई भी एक साइड, यानी अभी हमने फॉरवर्ड सिलेक्ट किया है तभी ये बटन प्रेस होगा। देखिए अभी मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है फॉरवर्ड बटन और मैं अभी इसको प्रेस करता हूँ, देखिए तो ये ड्रिल अब काम करे, देखिए। और यहाँ पे एक इंडिकेशन भी दिया है कंपनी ने जो भी काफी यूजफुल है कि आप जहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं वहां पे अगर लाइटिंग कम है तो आपको वो जो आपका जो जहाँ पे आपको पंचिंग या ड्रिलिंग करना है वो जगह आपको ठीक से दिखाई दे, उसके लिए जब भी ये आप ड्रिल यूज करेंगे यहाँ पे आप स्विच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक एलईडी ग्लो होगी। देखिए दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखा दोस्तों जैसे कि हम टेबल की तरफ रखते हैं इसको और इसका हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर टेबल पे आपको एक लाइट दिखाई देगी। देखा दोस्तों यहाँ पे एक लाइट जल रही है, देखिए यहाँ पे लाइट ग्लो हो रही है, ठीक है। तो ये भी इसका अच्छा फंक्शन है। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे यूज होता है। यहाँ पे इसका चक दिया है फीमेल चक, उसमें ये हमें टूल लगा देना है, यहाँ से हमने इसे लगा दिया, देखा तो ये इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें हम आगे यहाँ पे हम अभी आपको प्रैक्टिकल ड्रिल करके दिखाते हैं। यहाँ पे ये सभी टूल दिए गए हैं। तो हमें अभी हमारे पास ये फोर पार्ट स्क्रू है, ठीक है, प्लस स्क्रू बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। ये हमें स्क्रू अभी लकड़ी में लगाना है तो हम आपको दिखाते हैं कैसे इसका यूज होता है। तो अभी ये हमारा स्क्रू है वो प्लस टाइप है तो हमें भी चाहिएगा प्लस टाइप इसका टूल, ठीक है। तो अभी मैं यहां से सिलेक्ट करता हूँ प्लस टाइप टूल और ये मैंने मानिए ये निकाल लिया, ठीक है, ये मैंने यूज किया। फिर हमें इसका देखना है, ठीक है, चलो ये लगता है यही है, ठीक है। तो अब हमें ये टूल को प्रैक्टिकली लेकर इसमें यहाँ पे इंसर्ट करना है और इसमें मैग्नेट है दोस्तों, देखिए ये ऐसे सेल्फ इसमें चिपक जाएगा, यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है, देखा आपने। तो ये अब हमारा ड्रिल जो है वो देखिए अभी दिखाता हूँ रेडी टू यूज है, ठीक है, जैसे मैं प्रेस करता हूँ और ये रेडी टू यूज है और ये यहाँ पे स्क्रू हमारा लगेगा, ठीक है। और दिखाता हूँ दोस्तों कि इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है ड्रिल में कि इसमें सेल्फ मैग्नेट, इसका जो टूल दिया हुआ है ये फोर पार्ट उसमें भी मैग्नेट है। तो ये हमारा स्क्रू है अगर ये लोहे का है, ठीक है, तो इसमें ये इसे चिपक जाएगा प्रैक्टिकली। तो अभी हमने ये लगा दिया और यहाँ पे हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसमें हम आपको आज प्रैक्टिकली ये ड्रिल करके दिखाएंगे। तो आज हम आपको दिखा रहे इसमें कैसे ड्रिल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमने लगा दिया है स्क्रू और ये इसे लकड़ी के ऊपर हमें रखना है, ठीक है, और इसको हम आज ऐसे स्क्रू करेंगे। तो आप देखेंगे जरा वीडियो ध्यान से, तो ये हमें स्क्रू अंदर डालना है, इसको हमें स्क्रू करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये अभी हो रहा है स्क्रू, देखा, अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारे वीडियो डेमो के लिए बना है, इसे कृपया घर पे ट्राई मत कीजिए, आपको लग सकता है अगर आप टेक्निकल पर्सन नहीं है। तो आज हम आपको ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही ये वीडियो हमने बनाया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप फोकस कीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि ये स्क्रू कैसे अंदर चला जाता है। देखिए फिर यहाँ पे हम इसको ड्रिल का चालू करके इसको अंदर डाल रहे हैं स्क्रू को। देखा दोस्तों
तो ये पूरा का पूरा स्क्रू अंदर चला गया। ठीक है, अब यही स्क्रू को हमें रिमूव करना है, मान लिए। ठीक है, हमें इसको, अब इसका ड्रिल का हमें रिवर्स मोड यूज करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे रिवर्स मोड सिलेक्ट करेंगे ये बटन से, और हमने ये रिवर्स मोड सिलेक्ट कर लिया है अब प्रेस करके। तो अब ये ड्रिल क्या काम करेगा, ये स्क्रू को खोलेगा। ठीक है, पहले क्या किया था, इसने स्क्रू को इंसर्ट किया था, अब ये क्या करेगा, स्क्रू को खोलेगा। देखिए देखिए दोस्तों, तो ये स्क्रू पूरा बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये ड्रिल आप यूज कर सकते हैं। अगेन आपको डेमो देते हैं, यहाँ पे हमने स्क्रू लगाया। ठीक है, और इसका जहां पे आपको काम है वहां पे लकड़ी का या जो कोई भी आपका वॉल है या तो आपका एल्यूमिनियम सेक्शन है वहां पे आप स्क्रू को ऐसे रख दीजिए, उसके ऊपर प्रेस करके। अभी हमें फॉरवर्ड मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड मोड सिलेक्ट करके आप इसको जैसे प्रेस करेंगे, देखा दोस्तों, ये इसमें स्क्रू अंदर चला गया है। आप चाहे तो और भी इसको अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अभी डेमो के लिए मैंने पूरा अंदर नहीं डाला है स्क्रू को। अब हम मान लिए कि हमें इसको ओपन करना है, तो हमें यहाँ अगेन रिवर्स मोड फंक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिवर्स मोड फंक्शन सिलेक्ट करके हम यहां से आपको ये स्क्रू बाहर निकाल के दिखाएंगे। देखो दोस्तों, ये स्क्रू भी बाहर आ रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको धीरे धीरे यूज कर रहा हूं। ठीक है, इस ड्रिल को आप ऑलवेज धीरे धीरे यूज कीजिए, उसको बारी बारी इसको इस ऑन ऑफ कीजिए, तो ही आपका काम परफेक्ट होगा। देखिए मैं कर रहा हूं, जैसे बीच में ब्रेक लेते रहिए, ठीक है, तो आपका गलत स्क्रू नहीं जाएगा, गलत जगह पे नहीं जाएगा, और आपका जो स्क्रू ड्राइवर सेट या तो आपका जो कोई भी है आपका इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी आइटम जो वुडन पे आपको लगाना है वो आपका डैमेज नहीं होगा। अगेन मैं इसको रिवर्स मोड करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ निकल रहा है स्क्रू को बाहर, देखा दोस्तों, तो अब ये पूरा का पूरा स्क्रू निकल गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों ये स्क्रू ड्राइवर का जो फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप काफी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर को काफी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप टेलीकॉम या तो कम्युनिकेशन इंजीनियर है तो आपके जब सीसीटीवी कैमरा सब लगाते हैं या टेलीकॉम सिस्टम लगाते हैं तो वो कंडीशन में भी ये आपको काफी यूजफुल रहेगा। और अगर आप अपना घर पे कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग है वो अपने आप खुद ही करते हैं, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या तो ये डीलिंग मशीन के थोड़े बहुत जानकार है तो ये ड्रिल आप परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये ड्रिल मैंने लोकल मार्केट से परचेज की है, इसका राउंड अबाउट इसका कॉस्ट रहा मुझे 1200 रुपये। तो 1200 रुपये में ये काफी अच्छा और यूजफुल प्रोडक्ट लगा मुझे, कि हमारे घर पे ही हम अपना कोई भी छोटा मोटा लकड़ी का या कोई भी मेंटेनेंस वर्क, माने कि हमें कोई फ्रेम लगानी है वॉल पे या कुछ भी एक्स वाई जेड, जैसा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई गैजेट हमें फिट करना, स्पीकर है या तो सीसीटीवी कैमरा, तो वो कुछ भी हम अपने हाथ से ही कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं रहती है। तो दिस इज वेरी यूजफुल प्रोडक्ट एज पर माई नॉलेज। और दोस्तों अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसके बारे में भी आपका एक्सपीरियंस लिखेगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। और आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इसका अभी हम आपको चार्जिंग भी करके दिखाते हैं कि इसमें चार्जिंग कैसे होता है। देखिए नॉर्मल केबल है चार्जिंग का हमारा स्मार्टफोन का, इसको हमने इसमें लगाया। ठीक है, और हम यहाँ पे चार्जर चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ड्रिल जो है आपकी ये चार्ज हो रही है। ठीक है, जैसे ये चार्ज हो जाएगी, ये अप्रोक्स 2 घंटे लेगी चार्जिंग में, जैसे ये चार्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो इसकी लाइट है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों कि ये ड्रिल को चालू कंडीशन में आप इसको चार्जिंग में मत लगाइए, क्योंकि कई बार इस कंडीशन में आपकी ड्रिल जो है वो डैमेज हो सकती है। तो ये अभी यहाँ पे चार्जिंग दिखा रही है मेरी ड्रिल, और ये अभी चार्ज हो रही है। और दोस्तों जब भी आप मार्केट से इसको परचेस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फर्स्ट बार चार्ज कर लीजिए, इसको पूरे पूरे 2 घंटे चार्ज कर लीजिए, चार्ज करने के बाद ही आप इसको यूज कीजिए। और इसका जो स्क्रू ड्राइवर का जो ये है टूल्स है, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, वो भी मैंने इसका सभी टूल्स मैंने टेस्ट किया है और सभी अच्छी क्वालिटी का बनाया हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हमारे नए नए वीडियोस आप तक आते रहे, इसलिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए दोस्तों। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत।